Thank you so much each and everyone for your valuable support. Now support value start from 29 rupees only. जब से मैं YouTube पे आया हूँ ना और जब से आप लोग मुझे देख रहे हो तो एक क्वेश्चन जो है एक जो कन्फ्यूजन है वो हमेशा ही मुझसे पूछा जाता है, कहाँ कहाँ पे पूछा जाता है, Instagram में, WhatsApp पे, मेल पे, इनफैक्ट आपको कमेंट्स में भी पूछे जाते हैं, हमेशा ही पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है पता है आपको? क्या ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है। तो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। तो वैसे तो मैं मटेरियल के बारे में हमेशा ही यूट्यूब लाइव पे आता हूँ और आपको कभी ना कभी वीडियोस में आपको बताता हूँ कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं। टूल्स तो आपको कहीं से भी पता चल जाएगा, इनफैक्ट आप शॉप में भी जाओगे ना तो वो आपको दे देगा कि ये मटेरियल है आप यूज़ करो, लेकिन वो आपको बताएगा नहीं कि ड्रॉ क्या करना है और कैसे करना है। तो कहाँ पर आपको जानना है? मुझे पूछना है, आप लोगों ने पूछ लिया तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ड्रॉ करना है। कन्फ्यूजन क्यों है आप लोगों को? देखो, सबसे पहले आपको ड्रॉ क्या करना है, आप जहां पे भी हो ना, जिस सराउंडिंग में हो, अगर मैं इस रूम में हूं ना तो इस रूम में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम देखते हैं लेकिन हम कभी ड्रॉ नहीं करते, ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है उस पर। अगर मैं बोलूँ ग्लास भी ड्रॉ करने के लिए ना, या फिर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं ना, हम अगर मैं घर में निकला हूँ आप लोगों के वीडियो बनाने के लिए, मैं घर में निकला कि ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो हर घर में पाए जाते हैं और लोग जानते भी हैं लेकिन ड्रॉ नहीं करते हैं। और इनिशियल डेज में ये सब प्रोडक्ट जो है ना, ये सब जो ऑब्जेक्ट है ना वो ड्रॉ करने चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ब्रांड कोई भी होना चाहिए, ऐसा मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं ले रहा हूँ मैं और ना ही कोई उसका ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ एक मैं आपको ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ। जैसे ये शेप देख रहे हो ना, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप जो है ना, डायनामिक शेप जो होते हैं ना, वो शेप के आपको लेने हैं। सिंपल भी ले सकते हो, जैसे कि आप ये देख रहे हो एक ग्लास है, ग्लास आप ले सकते हो, हर एक एंगल में रख के ड्रॉ कर सकते हो। आप जब सामने रख के ड्रॉ करोगे ना तो आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो, मुझे ऐसे रखना है, वैसे रखना है, नीचे रखना है, ऊपर रखना है, कैसे भी रख के आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि मैंने अपने इस इनिशियल डेज में कैसे मैंने अपना स्केचिंग इम्प्रूव किया था स्टिल लाइफ स्पेशली, क्योंकि जब आप मैंने आपको स्टार्टिंग के डेज में आपको बताया ना कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग करना है, जितने भी आप शेप्स देख रहे हो वो कब ड्रॉ करना है, तो ये सब ड्रॉ करने है, ओवल है, सर्कल है, ये सब आपको ड्रॉ करना है। जैसे ये देख रहे हो ना, ये सब मैंने ड्रॉ किया अपने इनिशियल डेज पे, तो ये प्रैक्टिकली मैंने सब कुछ किया हुआ है। तो ये आपको करना है। और लोगों का कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है पहले बताएं कि अगर आप इंटीरियर में ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका सोफ़ा है, ये जब जो कर ले तो सोफ़ा है, टीवी है, फ़ैन है, अलग 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 एंगल में होते हैं, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप बाहर भी जाते हो ना, तो बाहर जाते हो तो टेबल देखते हो, कहीं गार्डन जाते हो तो गार्डन में ट्रीज़ वगैरह होते हैं, वो सब आप इनिशियल डेज में ड्रॉ कर सकते हो। बिल्डिंग्स हैं, रोड हैं, आपको बहुत ज़्यादा शेडिंग नहीं करनी है, बस आउटलाइन करना है आपको। स्टार्ट तो कीजिए, आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट एक बार आपका वो ज़रूरी है। और आपको अभी पता चल गया होगा कि आपको क्या ड्रॉ करना है। इतने सारे जो टूल्स हैं, जब आपके पास नहीं है, पेंसिल है, पेपर है, इरेजर है, शार्पनर, बस इतना ही चाहिए, उतने ही टूल चाहिए, लेकिन आपको मटेरियल की भरमार है। अगर मैं आपको अपने घर में दिखा दूँ तो 75 चीज़ें मिल जाएंगी। आप अपने घर में ढूंढने जाओगे ना तो रिमोट से लेके टीवी से लेके हर एक वो चीज़ मिल जाती है, बल्ब से लेके हर एक चीज़ मिल जाती है, आपको वो ड्रॉ करना है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूजन होगा कि आपको ड्रॉ क्या करना है, क्योंकि आपको अपने जितने भी बिलोंगिंग्स है ना उससे स्टार्ट करना है आपको स्केचिंग, उन सब चीज़ों से। ऐसा नहीं कि आपने गूगल ओपन किया, गूगल या पिंटरेस्ट ओपन किया, मुझे रेफरेंस ही ढूंढना है। क्यों ढूंढना है आपको? आपके घर में होगा। अभी लाइट डायरेक्शन वगैरह मत देखिए, आप टेक्सचरिंग मत देखिए, बिगनर हैं आप, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट लीजिए, उसको रखिए सामने और उसको ड्रॉ कीजिए, तो वो आप स्टार्ट वैसे कर सकते हो। तो मैं ये जो सीरीज़ मैंने बना रहा हूँ ना, ये दो एपिसोड का बना रहा हूँ मैं अभी, आपको कन्फ्यूजन क्या होता है लोगों का। जैसे कि इसमें भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और जितने भी लोग मुझे वर्क भेजते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि अब मैं रिव्यू करने वाला हूँ, आपके जो वर्क हैं वो वेबसाइट पर आने वाले हैं, तो जितने लोगों के वर्क आए हैं ना, तो मैंने ये देखा है कि सिमेट्री, सिमेट्री मतलब क्या होता है ना कि अगर मेरा फेस देखोगे ना तो ये पार्ट और ये पार्ट, ये पार्ट अगर आपने बना लिया, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया तो बराबर ही, तो ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। तो लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है, अगर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन इसको ही डायरेक्ट सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे ये आप देख रहे हो, अगर मैं किस टेक्निक से इसको बनाऊँ, आप देख रहे हो ये शेप है, अगर मैं फ्री हैंड जाऊँगा ना तो ये तो मैं बना लूँगा, दूसरी तरफ जाऊँगा तो गलत हो जाता है। सबसे ज़्यादा लोगों का गलती यहाँ पे होता है कि जब ये ड्रॉ कर लेते हैं ना तो दूसरी तरफ जब ड्रॉ करने जाते हैं ना तो वो शेप मेंटेन नहीं रखते हैं। पहले क्या होता है, एक लाइन ऑफ एक्शन होता है, स्ट्रेट है, कैसे है, किधर है, किस एंगल में है, आपको पता चल गया कि अभी ये स्ट्रेट है,
स्ट्रेट में एक कर्व बनाया आपने, तो दूसरी तरफ कैसे हम बनाएंगे, आखिर क्या करेंगे। तो इसके कई सारे टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो, ये सिर्फ यही नहीं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट को आप कैसे बना सकते हैं घर में। प्रोडक्ट नहीं बनाना है, स्केच बनाना है। स्केच आप कैसे बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे आप देख रहे हो ना, सिमेट्री, सिमेट्री मतलब कि ये साइड का और अनदर साइड का दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे ये देख रहे हो ना, ये होना चाहिए। तो ये सब जो प्रोडक्ट हैं, ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ये नॉर्मली हमारे घर में पाया जाता है और हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि इसको हमें क्या बनाना है। इन सब को इग्नोर करके हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं ढूंढने, इंटरनेट पे जाते हैं ढूंढने के लिए। पहले आसपास की चीज़ों को आप ड्रॉ कीजिए, यूज्ड हो जाए, फिर आप ड्रॉ कीजिए आपको जो रेफरेंस वगैरह ढूंढना है। तो ये हो गई बातें कि जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या प्रोडक्ट लेने, प्रोडक्ट का तो कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया कि क्या ड्रॉ करना है। अब इसको कैसे ड्रॉ करना है, लोगों को मुझे पता है कि एक सिमेट्री है, लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते, दूसरी तरफ मेंटेन नहीं कर पाते। तो मेरे पास दो तीन टेक्निक ऐसे हैं ना, जो आप एक दो जो भी आप टेक्निक मैं बताऊंगा उसमें से एक टेक्निक तो आपके लिए बहुत ईजी होगा और उसको आपको फॉलो करना है। आप वो फॉलो कीजिएगा तो बहुत, क्योंकि मेरा ये सब प्रैक्टिकली मैंने देखा है और मैंने जितने लोगों को समझाया वो समझ में आया। तो इन सबको आप फॉलो कीजिए। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या ड्रॉ करना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कैसे ड्रॉ करना है। तो ये जो टेक्निक है ना, ये जो मैं आपको बताऊंगा वो लाइफ टाइम आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इन सब के साथ साथ बहुत सारे मैंने आपको बताया हुआ है कि नए चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि आपके वर्क हैं वो मेरे वेबसाइट पे आने वाले हैं, पोस्ट होने वाले हैं। तो इसके साथ साथ बहुत सारे नई चीज़ें आने वाली हैं, लॉन्च भी हो चुकी हैं, जैसे कि आप अपने वर्क जो है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं जिसको मैं रिव्यू करूँगा मैं। तो आपको कहाँ पे भेजना है, इस मेल आईडी पे भेजना है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको मेल आईडी मिल जाएगा, वेबसाइट का भी लिंक मैंने वहाँ पे रखा हुआ। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको मुझे, मेरे साथ सीखना है, आप कुछ सीखना चाहते हैं पर्सनली मेरे साथ सीखना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं। कहाँ पे जाना है आपको, उसी वेबसाइट पे जाना है, कोर्सेज में जाइए और मुझे ज्वाइन कीजिए। तो अभी तक के लिए इतना ही है। और इसके साथ साथ मेरा व्लॉग चैनल भी है, व्लॉग चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कुछ अलग है, जैसे कि जो आर्ट है, आर्ट से अलग कुछ एकदम हल्के फुल्के पल जो अगर आप देखना चाहते हैं तो व्लॉग में जाइए और देखिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सीरियस हो जाइए और काम पे ध्यान दीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।